28 करोड़ 2 लाख 12 हजार का ट्रांजैक्शन हासिल कर जिला अल्पसंख्यक बचत सहकारी साख समिति मर्यादित बैंक ने शासन द्वारा ए वर्ग ऑडिट कर पूरे प्रदेश में एक अलग पहचान बनाकर सर्व समाज हित के उद्देश्य को लेकर काम कर लोगों की मदद कर रहा है, जिसके हुए सालाना जलसा में लोगों को सम्मानित किया गया। दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित जिला अल्पसंख्यक बचत सहकारी साख समिति मर्यादित बैंक में गुरुवार को 22वीं वार्षिक आम सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित सभी सदस्य पदाधिकारियों सहित संस्था के कर्मचारियों के बीच बैंक के अध्यक्ष रऊफ कुरैशी द्वारा सम्मानित अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही बैंक के प्रबंधक बी आर श्रीवास द्वारा आय व्यय व आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर लाभांश का विवरण किया गया। गौरतलब है कि छोटी सी कुटिया में संचालित लगभग 18,000 कुछ रुपयों की लागत से संचालित ये बैंक आज पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाकर सन 2021-22 में संस्था का सालाना ट्रांजेक्शन 28 करोड़ 2 लाख 12 हजार का लक्ष्य हासिल कर सर्व समाज हिताय के उद्देश्य को पूरा करते हुए जरूरतमंदों की मदद कर आगे बढ़ रहा है। इस संस्था में अब तक लगभग 3,000 से अधिक खाते धारक हैं और इस बार बैंक द्वारा अमानतदार के जमा पर 0.5% अधिक ब्याज भुगतान करने के साथ ही सदस्यों को लोन पर 1% की कमी का ऐलान किया गया है। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल आयोग के उपाध्यक्ष आरएन वर्मा व विधायक प्रतिनिधि रत्ना नारामदेव ने संस्था की सराहना की। वहीं कार्यक्रम में हाजी हनीफ भिंडसारा, नजहत परवीन, मकबूल अली, शमसुद्दीन थारानी, नदीम आजमी, मंजूर अंसारी सहित बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। इस संबंध में अतिथियों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। संस्था को आम सभा में घोषणा किया है, वार्षिक आम सभा में सब लोग उसको पुष्टि भी कराई है कि जो ऋण राशि में हम 1% कम ब्याज लेंगे और बचत पर हम बचत अमानत पर 0.5% ज़्यादा ब्याज लेंगे, ये घोषणा हमने किया है। और अभी 35 करोड़ का 2022-23 का लक्ष्य रखा है। साथ ही हमारा प्रस्तावित भवन है, हमें इसका भवन बनाना जरूरी है क्योंकि बरसात में अगर तकलीफ हो रही है, इसके लिए भी हम क्या हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है, इसके लीज के लिए भी प्रयास किया जा रहा है, भूमि की लीज मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम संस्था को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे जो संस्था के सदस्य हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ाएं, ये प्रयास हमारा चालू है और हम इसके लिए ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। यहाँ ये बहुत अच्छी शुरुआत है और बहुत अच्छी प्रयास है रऊफ कुरैशी जी एड्रेस के माध्यम से, क्योंकि काम करने बहुत से लोग निकलते हैं परंतु उसमें एक आदमी अपनी जीत हासिल कर पाते हैं और उनमें से एक है रऊफ कुरैशी जी। यहाँ महिलाओं को चाहे व्यवसायियों को, छोटे छोटे जो व्यवसाय करते हैं इन सबको जो इन्होंने लोन देकर आगे बढ़ाने का प्रयास किया दुर्ग में, ये मैं सोचती हूँ बहुत अच्छा प्रयास है। और इस तरह के बैंक जो छोटे छोटे बैंक हैं वास्तव में ये पारितोषिक के हकदार हैं और इसमें हम लोगों को प्रयास करना बहुत जरूरी है। यदि हमें पहले से मान रहता है कि इतने अच्छे प्रयास हो रहे थे, शायद हम लोग इस चीज़ के बहुत पहले प्रयास करते, पर अभी आने वाले समय में हम सब अपने लेटर पैड पर लिख करके देंगे कि इस संस्था को, ऐसी संस्थाओं को आगे बढ़ाया जाए जो झोपड़ी में जब अभी भी कवेलू जिसको खपरेल बोलते हैं पानी टपकता, उसके बाद भी उसमें बैंक चल रहा है और करोड़ों की संपत्ति इनके पास है और उस संपत्ति के बाद भी नहीं लगता कि यहाँ पर इतना बड़ा बैंक चल रहा है, वास्तव में तारीफ के काबिल है। क्योंकि कई बैंक जब खुल जाते हैं तो वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं या उनमें उनको घोषणा कर जाती है कि हानि हो चुकी है, परंतु इस बैंक ने अभी तक इस तरह का कोई कार्य नहीं किया है। इन्होंने हमेशा लाभान्वित ही किया है और लोगों को लाभान्वित किया है और हर वर्ग हर समाज के लोग यहाँ पर आते हैं, लोन ले रहे हैं और शनि शनि छोटे से अपना बृहद रूप में कार्य करते हैं। बचत सहकारी साख समिति की आज वार्षिक जलसा का कार्यक्रम है और आज संस्था के अध्यक्ष हमारे भैया आदरणीय रऊफ कुरैशी जी द्वारा संस्था के आय व्यय का यहाँ पर प्रतिवेदन का वाचन किया गया और इस संस्था के बारे में जितनी भी बढ़ाई की जाए वो कम है, क्योंकि अभी जैसा
मैंने कहा अपने उद्बोधन में कि झोपड़ी में चलने वाली संस्था इसका उद्देश्य बहुत ही गरीब लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का है और जो गरीब तबके के जो व्यवसायी हैं उनको आर्थिक मदद देना इस संस्था का मूल उद्देश्य है। और इसी तरह से ये जो संस्था है विगत कई वर्षों से अपने दुर्ग शहर में गरीबों का गरीब व्यवसायियों का मदद कर रही है, बहुत ही कम ब्याज दर पर लोगों को उनके काम चलाने के लिए राशि दिया जाता है और यहाँ पर जो काम होता है बहुत ही जल्दी और सुगमता और सरलता से काम हो जाता है। एक छोटी सी कुटिया में संचालित बैंक का ट्रांजेक्शन देखने लायक है, लाखों लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। ग्रैनी सीन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।